नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, इसे लेकर बिहार की भी सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सीएम नीतीश कुमार ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जागरूकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आप चीन को देख लीजिए, चीन ने 1 से 2 किया, अब 2 के बाद वहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि कानून के जरिए जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2040 तक बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बिहार में बयानबाजी हो रही है। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है कि इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उसे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत, जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसका घटना शुरू होगा। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है, अपना अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने यहां पर 2 टूक कह दिया है कि हमारे यहां कानून की जरूरत नहीं है, वो ऐसा नहीं मानते, और इस पर बयानों की बारिश शुरू हो गई है। ये देश एक व्यक्ति का नहीं है, आम आवाम का यह देश है और सब संप्रदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका ये देश है। तो सभी दल के नेताओं से राय मशविरा करने के बाद ही सर्वदलीय बैठक बुलाओ, जो उसमें फलाफल निकले, आम आवाम से भी इसका ये करवाइए, घोषणा करवाइए और उन लोगों से भी राय लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। जनसंख्या ऐसे करके तो ये डेमोक्रेसी को समाप्त करना हुआ ना। ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है, जनसंख्या का दबाव जब हम 4 लेग की सड़कें पास होती है, जब वो बनता है 4 साल 6 साल लग जाता है, 1 लेन की आबादी उस पर चढ़ जाती है। इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यह तो निश्चित है कि जनसंख्या इस देश की इतनी बड़ी है, लेकिन इस देश की जनसंख्या जो युवाओं की संख्या है, जिसके कारण हम युवा भारत कहते हैं, तो जो है उसका सदुपयोग और आगे जनसंख्या के विषय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर विभिन्न पहलुओं पर विचार चल रहा है। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की शुरुआत की है और यह कानून पूरे देश में बनना चाहिए। जब तक इस पर शक्ति नहीं होगी तब तक इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से ही हम बढ़ती आबादी को रोक सकते हैं, समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बेटियों के शैक्षणिक संवर्धन और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, आज उसके नतीजे आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि देश इन ऐसे सवालों को देखता है कि जहां का जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा हो, क्षेत्रफल हो, उसके बावजूद बिहार ने जो दिशा में काम किया है, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में जो काम किया है वह देश के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण में और जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए वह कारगर हथियार बना है।
जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता तो जरूर है, लेकिन क्या कानून लाके ही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है? भारत विविधताओं का देश है, यहाँ कई जाति धर्म संप्रदाय मजहब के लोग रहते हैं, इसीलिए सिर्फ कानून लाके जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया जाए, मुझे लगता है भारत जैसे विविधता वाले देश में यह संभव नहीं भी हो सकता है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से जब लोग जागरूक होंगे, महिलाएं शिक्षित होंगी, तो निश्चित रूप से प्रजनन दर कम होगा और जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण की बात और वोट बैंक की तैयारी करने की बात अगर करते हैं तो सारे लोग, सारी पार्टी और सारे केंद्र और राज्य आगे आकर बात करती है। तो इस तरह की बात करने से पहले उनको सोचना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए उसके लिए शिक्षा, और हर एक पुरुष और महिला को शिक्षित करें, हर एक पुरुष महिला को रोजगार दें, उनके घर तक रोटी और पानी पहुंचाएं, तब आप देखें सारा का सारा कंट्रोल हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग से कानून और अलग से डंडे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की बात की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून हर हाल में लागू हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा अपनी जगह है लेकिन कानून जरूरी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार निगम परिषद में नियम पहले से ही है, इसके मुताबिक दो बच्चे वाले ही चुनाव में हिस्सा लेंगे। जनसंख्या कानून को लेकर पूरे देश में हर राज्य अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कानून लाने से बेहतर है शिक्षित करें महिलाओं को, वो जरूरी है। चाइना का उदाहरण उन्होंने दिया। विस्तार से बातचीत करने के लिए बिहार सरकार मंत्री सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े साफ शब्दों में कहा जरूरी है शिक्षित कानून नहीं। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं, शिक्षा तो जरूरत है ही, लेकिन जनसंख्या के ऊपर कानून तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए, हम तो लगातार शिक्षा के दर को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी लगभग 35% से अधिक महिलाएं, जो महिला का आबादी है उसके में से लगभग 40-45% लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बढ़ाना तो है लेकिन इसके लिए कानून तो लाने पड़ेंगे। जिस तरह हम लोगों ने ही बिहार में ही नगर विकास के मामले में हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि जो नगर में चुनाव लड़ेंगे उनको दो बच्चे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बिहार तो पहले ही इस चीज को कर चुका है, इसलिए कोई नई बात नहीं है, इस तरह के कानून तो आने ही चाहिए। हमारे साथ बिहार सरकार मंत्री सम्राट चौधरी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जनसंख्या पे कानून तो जरूर होना चाहिए, हालांकि शिक्षा दर लगातार बढ़ते रहेगा और बढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया दिल्ली। बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में सीएम योगी ने इसे लागू करने का फैसला किया लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू बीजेपी नेतृत्व के बीच विमर्श के बाद फैसला होगा। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए कि नहीं देश में? देखिए, जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है इस पर तो निश्चित तौर पर ये चिंतनीय विषय है और ये लागू होनी चाहिए। लेकिन अब पूछिएगा कि बिहार में लागू होनी चाहिए कि नहीं, तो उत्तर प्रदेश में अपने माननीय योगी जी ने इसे लागू करने का एजेंडा बनाया। बिहार में हम लोग का कोऑर्डिनेशन का गवर्नमेंट है, अपना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अभी कहें कि शिक्षित हो जाने के बाद इसको विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि नारी का शिक्षा के होने के बाद प्रजनन दर में कमी आई है। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार। कैमरामैन निशांत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया पटना। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जेडीयू में मतभेद सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कानून का समर्थन किया है, यूपी में कानून लाने की तैयारी का स्वागत किया है और बिहार में कानून लाने का फैसला सरकार तय करे, ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। नीतीश कुमार ने कहा था कि कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए,
क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास कितना भी हो जाए लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की बात जहां कहीं भी पहल हो रही है बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार में कब कैसे होगा सरकार को करना है, उस पर सरकार करेगी। तो उत्तर प्रदेश में कानून बना है लेकिन बिहार में भी उसकी लपटें आ रही हैं, बिहार में भी उसकी आंच की गर्माहट महसूस की जा रही है। तमाम तरह के बयान सामने आए हैं और मुख्यमंत्री ने दो टूक अपनी बात कह दी है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी सरकार क्या करेगी। जी बिहार झारखंड के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर बिहार धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, जिस तरीके से तेवर मुख्यमंत्री ने दिखाए हैं एक बार की, तो ये लग रहा है कि पुराने वाले नीतीश सामने आ रहे हैं, जब हर बात में या फिर जिन मुद्दों पर टकराहट होती थी सामने से कह देते थे बीजेपी को ना, बहुत दिनों के बाद नीतीश कुमार ने वो तेवर दिखाया है। धीरज, जी बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार का ये तेवर जो रहा है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उनका स्टैंड हमेशा साफ रहा है। जैसे अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले शिक्षित होना जरूरी है बेटियों को, महिलाओं को, और जो उन्होंने प्रयोग किया था बिहार में उसमें कमी आई है जो प्रजनन दर है उसको लेकर के। इसी तरह NPR की जब बात हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि NPR को लेकर के भी बयान दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी के एक लगातार, आप यूं ही राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें राजेश, तो इसको ये ऐसे भी देख सकते हैं कि बीजेपी की बहुत सारे जैसे कानून पास हुए उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग रुख रखा है शुरू से ही JDU ने। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उनसे ही मैं जानता हूँ, बात करता हूँ इनसे। ये बताइए राजेश जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हैं आप लोग या नहीं? देखिए, अभी तो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हम लोग हैं ही। जनसंख्या नियंत्रण जन जागरण अभियान से होगा, उन्हीं के दल के जो अलायंस है माननीय नीतीश कुमार बिहार के, वो भी कह रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, जनसंख्या नियंत्रण उनका उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हैं, वो तो कह रहे हैं जन जागरण अभियान से होगा। तो अब तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री आपस में यह बात कर रहे हैं कि कानून के तहत जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं या जन जागरण अभियान से करना चाहते हैं। जो कहा है कि शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, जो बिहार में किया गया उसके कारण इसको लेकर के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बदले उससे ज़्यादा जागृति आएगी, जो आप लोग बात कर रहे हैं जन जागरण की, तो वो सही कह रहे हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक आप जन जागरण अभियान फैला भी लीजिएगा तो प्रजनन दर में कमी नहीं आएगी। तब जबकि बिहार आज भी सर्वाधिक प्रजनन दर में है, तो माननीय मुख्यमंत्री की बात से प्रधानमंत्री सहमत है कि नहीं है? अब प्रधानमंत्री जी कानून बनाना चाहते हैं उसे मुख्यमंत्री सहमत है कि नहीं है सहमत? यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की लड़ाई है। अगर ये दोनों कानून बनाना चाहते हैं तो नीतीश जी कहें कानून नहीं चाहिए, जन जागरण अभियान चाहिए, तो नीतीश कुमार जी को तो ये बताना पड़ेगा कि ये JDU का फैसला है या बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला है। अगर JDU का फैसला है तो RCP सिंह बोलेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या जन जागरण अभियान से ख़त्म हो, और नहीं तो नीतीश कुमार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह मुख्यमंत्री का फैसला है या राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह का फैसला नहीं है। लेकिन अंततः जन जागरण से ही जनसंख्या नियंत्रण होगा। जो जो राज्य जन जागरण अभियान किया जहाँ शिक्षा ज़्यादा थी वहाँ जनसंख्या कम रहा है, ऐसे कई अनेक प्रदेश रहे हैं। तो मुझे लगता है एक समय था बहुत समय की जब संजय गांधी थे तो नसबंदी का लाया बिल्कुल गया था। धीरज जी, जाहिर सी बात है वक्त की थोड़ी कमी है, रोकना चाहेंगे आपको इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से जनसंख्या कंट्रोल करने को लेकर कानून UP में बना है, अब इसको